ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। पहले कि मैं खून की नदियां बहुत मुत्तफा हो जाओ यहां से। राजमौली की पैन इंडिया ऑडियंस ने दिखाया जादू, बराबरी के लिए होगी सीक्वल की तैयारी। आजकल साउथ की फिल्मों को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसलिए अब हम साउथ के हीरोज को भी बड़े पर्दे पर काफी ज्यादा देख रहे हैं, जिन्हें देश भर की ऑडियंस पसंद कर रही है। हाल ही में अगर किसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है तो वो है RRR। SS राजमौली ने अपनी फिल्म बाहुबली से पैन इंडिया एक ऐसी ऑडियंस तो बना ही ली थी और उनके डायरेक्शन की कद्र करते हुए उनके बनाए हुए कॉन्टेंट को देखना पसंद करती है और इस बात को साबित करने आ चुकी है RRR। क्योंकि RRR फिल्म को आजकल ऐसे रिव्यूज मिल रहे हैं जिसमें अभी तक फिल्म की लगभग 200 करोड़ तक की कमाई करवा दी है। हमें पूरा यकीन है कि ये फिल्म बाहुबली के कलेक्शन को भी टक्कर देने वाली है। अब जिस फिल्म के डायरेक्टर राजमौली हैं, तो एक बात तो पक्की है कि सबके दिमाग में एक ही सवाल उठता है कि क्या इस फिल्म का एक सीक्वल देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि आजकल दो हिस्सों में फिल्मों को बनाने का जो ट्रेंड देखा जा रहा है, आपको बता दें कि ये ट्रेंड की शुरुआत और किसी ने नहीं बल्कि SS राजमौली ने खुद की और उन्होंने अपनी फिल्म बाहुबली को दो हिस्सों में बनाया था और दोनों ही हिस्सों को फैंस ने ढेर सारा प्यार दिया। वैसे तो पहले RRR के सीक्वल को लेकर सबके मन में सवाल थे क्योंकि अभी तक किसी ने ये नहीं कहा था कि इस फिल्म का एक सीक्वल देखने को मिलेगा, लेकिन हाल ही में कई फैंस ने कहा था कि RRR में हमें रामचरण पर ज्यादा फोकस देखने को मिला था और इसलिए हो सकता है कि दोनों हीरोज के स्क्रीन प्रेजेंस को बराबरी पर लाने के लिए अब फिल्म का सीक्वल भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि RRR फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया था, तो जाहिर सी बात है कि इस फिल्म के सीक्वल को और भी ग्रैंड लेवल पर बनाया जाएगा। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाल होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही बता पाऊंगी, पहले कहां से बताऊं। अब हम इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। अगर आप भी हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।